मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू टेक्निकल अड्डा स्टार टेक्निकल इंस्टीट्यूट के तरफ से। मैं शाहनवाज हुसैन और जो मैं आज ये सिलेबस वीडियो है इसमें हम जो एसी मैकेनिक और इलेक्ट्रिशियन का जो 30 दिन का जो कोर्स है उसके बारे में बताऊंगा। जो 30 दिन का कोर्स है आपका एसी मैकेनिक का, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाएंगे, एसी मैकेनिक के कौन कौन से ऑपरेटर्स आ जाएंगे, और जो आपका इलेक्ट्रिशियन वाला कोर्स है उसमें कौन कौन से आपके ऑपरेटर्स आ जाएंगे, आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एसी मैकेनिक के बारे में। तो जो एसी मैकेनिक का कोर्स है इसमें आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम, यानी सपोज डेट हम मान लेते हैं फ्रिज के बारे में, जैसे हमारा फ्रिज है तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंतर्गत आता है, तो फ्रिज के बारे में मान लेते हैं। तो हमारा फ्रिज जो हो गया उसमें हम क्या करेंगे, उसके अंदर गैस डालने को सीखेंगे, रेफ्रिजरेंट कैसे चार्ज किया जाए, उसमें हम वैक्यूम करना सीखेंगे, प्रेशर डालना सीखेंगे, और हम रेफ्रिजरेटर है आपका फ्रिज है उसके इलेक्ट्रिकल वायरिंग के बारे में सीखेंगे कि वायरिंग कैसे की जाती है। फाइनली हम लोग फ्रिज का ऑपरेशन करेंगे, एक एक पार्ट को आसानी से खोलेंगे, देखेंगे और उसको रिपेयरिंग करना सीखेंगे। उसके बाद से कंप्रेसर के बारे में पढ़ेंगे, कंप्रेसर क्या है, कंडेंसर के प्रकार, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल, लो साइड इक्वामुलेटर के बारे में, ओवरलोड प्रोटेक्टर के बारे में, रिले के बारे में, सिंगल डोर फ्रिज हो आपका चाहे आपका डबल डोर फ्रिज हो, दोनों के बारे में हम समझेंगे। अब बात करते हैं आपका एसी के बारे में। तो चाहे वो एसी हो, चाहे वो स्प्लिट एसी हो, चाहे वो विंडो एसी हो, स्प्लिट एसी हो फिर भी उसको आसानी से समझेंगे, खोलेंगे, ये पीसीबी के बारे में समझेंगे, इसकी वायरिंग कितने प्रकार की होती है वो समझेंगे, आपका जो विंडो एसी है उसमें कौन कौन से कंप्रेसर कंडेंसर लगे होते हैं उसके बारे में देखेंगे, और स्प्लिट एसी है, स्प्लिट का मतलब क्या होता है, स्प्लिट एसी का यूज कहाँ होता है, उसमें गैस कैसे डालते हैं, वैक्यूम कैसे करते हैं, उसको रिपेयरिंग कैसे करते हैं, एसी के बारे में रेफ्रिजरेशन सिस्टम से संबंधित टोटल कोर्स को यहाँ पे करेंगे, टोटल सब्जेक्ट को आसानी से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिशियन के बारे में। तो इलेक्ट्रिशियन में क्या क्या आपका आ जाएगा, तो जो हम स्लैब पाइपिंग करते हैं कंड्यूट पाइप उसको बोलते हैं, वो डालेंगे, कंड्यूट पाइप के बारे में समझेंगे, कैसे डाला जाता है उसको सिखाया जाएगा कंड्यूट पाइप के बारे में। आपका केसिंग बिट हो गया, जो पट्टी देखे होंगे ना दीवार पर लगाता है पट्टी, उसमें वायरिंग होती है, उसको बेटन पट्टी भी बोला जाता है गाइस, और आपका ये बेटन पट्टी भी बोला जाता है और केसिंग बिट भी। और आपका जो तीसरा होता है लूज कनेक्शन, जो लूज कनेक्शन होता है इसको बोलते हैं आउट ऑफ वाल, यानी वाल हो गया, वाल के बाहरी रहेगा वो कनेक्शन, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद गोडाउन का कनेक्शन हो, हॉस्पिटल का कनेक्शन हो, ऑफिस का कनेक्शन हो, और आपका ये हॉस्पिटल का कनेक्शन भी होता है, टू वे स्विच होता है, डीबी ड्रेसिंग भी पढ़ेंगे, पावर पैनल कंट्रोल बोर्ड के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे ग्लैंड क्या होता है, केबल क्या होता है, और इंटरव्यू के क्वेश्चन को कैसे फेस किया जाता है इसके बारे में भी हम आसानी से समझेंगे। ग्लैंड के बारे में ज़्यादातर समझेंगे आसानी से, क्योंकि ग्लैंड के जो क्वेश्चन आता है वो इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि भाई ग्लैंड क्या है, केबल ट्रे क्या है, केबल ट्रे का यूज क्यों किया जाता है, ग्लैंड के बारे में से आप क्या समझते हैं, तो ये सब टॉपिक के बारे में हम आसानी से पढ़ेंगे। और इस 30 दिन के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद गाइस ट्रस्ट मी, आप एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन या एक अच्छा एसी मैकेनिक हो जाएंगे, आप अपने फील्ड का मास्टर माइंड बन जाएंगे। ओके गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो टॉपिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम से स्टार्ट होगा, रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या है इसके बारे में हम एक एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, तो आप लोग इसको देखिए, इस 30 दिन के कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप फाइनली इलेक्ट्रिशियन या एसी मैकेनिक हो जाएंगे, आप गल्फ में भी काम कर सकते हैं, इंडिया में भी काम कर सकते हैं। ओके ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली।